देश के विकसित राज्यों में गिने जाने वाले महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान खुदकुशी करते हैं। खेती करने वाले किसान मर रहे हैं, मगर वही राजनेता खेती में हाथ डाल रहे हैं तो लक्ष्मी बरसती है। अब ये कैसे होता है, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्ज के फंदे में झूल जाने वाले किसानों के लिए हर राज्य की राजधानी से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक राजनीति तो फलती फूलती है। किसान कुछ नहीं पाता, राजनेता सब कुछ पाते हैं। गवाही है कि महाराष्ट्र, जहां किसानों पर 1,54,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जहां देश में सबसे ज्यादा 38% किसान खुदकुशी के लिए मजबूर होते हैं, उसी महाराष्ट्र में 76% मंत्री अपनी कमाई का जरिया खेती और किसानी बताते हैं। ये बात सुनकर यह अचंभा होता है और दावा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर उनके बेटे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, डिप्टी सीएम अजित पवार, ताकतवर मंत्री छगन भुजबल, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे समेत महाराष्ट्र के मंत्री और उनके परिजनों के नाम पर जितनी कंपनियां हैं उनमें सबसे ज्यादा कृषि से ही जुड़ी हैं। महाराष्ट्र में अगर मंत्री और उनके परिजनों के नाम कुल 161 कंपनियां दर्ज हैं, तो इनमें 42% कंपनियों का संबंध सीधे कृषि क्षेत्र से है। सवाल उठता है, आखिर जब मंत्री और उनके घर वाले किसानों के नाम पर अलग अलग फैक्ट्री खोलकर कमा लेते हैं तो किसान क्यों नहीं कमा पाता? किसान के लिए क्यों खेती घाटे का सौदा है? आज तक की टीम इस सच को जानने के लिए सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी के लिए कुख्यात विदर्भ के अकोला जिले के किसानों के बीच पहुंची। यहां किसान प्रमोद पागरुत और गणेश राउत का जवाब सुनिएगा। राजकारणी पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं, इसमें रहते तो ये जो योजना किसानों के लिए है ये योजना खुद ही अपने नाम ले लेते, और उनको जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अधिकारी हो या तो फिर बैंक वाले डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, इनका उनका भाई साहब का काम पहले कर देते, क्योंकि वो मंत्री जी रह चुके रहते, आमदार रह चुके रहते, खाददार रह चुके रहते, तो उनका काम पहले करते। वो किसानों को लिए तो बोलते ये कागज ला, वो कागज ला, माल आता वो कम दाम में बेचना पड़ता, और नेता लोगों की जो फैक्ट्रियां है उसमें अगर गया तो उसका प्रोसेसिंग करके किसकी कुछ भी लो, सोयाबीन लो, कपास लो, उसके भाव दुगने हो जाते हैं। पूरा प्रॉफिट पूरा फैक्ट्री वालों को मिलता, किसानों को कुछ प्रॉफिट ही नहीं मिलता। यानी महाराष्ट्र के किसानों के मुताबिक मंत्रियों और नेताओं की कंपनी को उनके रसूख के दम पर हर सुविधा थाली में सजा कर मिलती है, और आम किसान तो सिंचाई का पानी और बिजली तक पाने के लिए दौड़ता रह जाता है। साथ ही किसान को उसी माल की कम कीमत मिलती है जिसके बदले नेताओं की फैक्ट्री धन उगलती है। पूरे देश में सबसे ज्यादा शुगर मिल अगर किसी राज्य में नेताओं से सीधे जुड़ी हुई है वो महाराष्ट्र है। जैसे इसी शुगर मिल को लीजिए, ये स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से जुड़ी है। यहाँ किसानों को तुरंत गन्ने का पैसा तो मिल जाता है, लेकिन आरोप है कि शुगर मिल में नेता जो पैसा दूसरे प्रोडक्ट पर कमाते हैं वो किसानों की जेब में नहीं पहुँचने पाता। शुगर फैक्ट्री में बाय प्रोडक्ट होता है, शराब बनती है, दूसरे पेपर बनता है, दूसरे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट का हिसाब कोई भी नहीं देता कि किसानों के पास से गन्ना लेने का, उसे बाय प्रोडक्ट बनाने का और किसान को चूना लगाने का, यही मकसद बस महाराष्ट्र के शुगर फैक्ट्री या सहकार का है, ये तो हमारा दुर्भाग्य है। ये भी जानकारी आती है कि महाराष्ट्र के मंत्रियों की जो कंपनियां हैं वो होटल के क्षेत्र में 4% है, शिक्षा की फील्ड में 2%, सर्विस देने के लिए 8%, ऊर्जा में 7%, सबसे ज्यादा कंपनी मंत्री और उनके घरवालों की 42% तक कृषि के क्षेत्र में। आखिर ऐसा क्या है कि नेताओं को खेती से जुड़ी फैक्ट्री और कंपनी खोलना ज्यादा फायदेमंद लगता है? नागपुर में किसान नेता विजय जावंधिया से हमने इस अहम सवाल का जवाब पूछा। ये अपना इनकम ये खेती में से बताते हैं, क्योंकि खेती के इनकम पर इनकम टैक्स नहीं है। नेताओं अफसरों की और पूंजीपतियों की खेती मुनाफे की इसीलिए है कि उनके पास में नंबर दो का पैसा है, वो उसको नंबर एक में कन्वर्ट करते हैं। अब बात सीधी से ये आ जाती है कि अगर सत्ताधारियों के लिए वही खेती सोना उगलती है जिसके लिए महाराष्ट्र का किसान जान देने को लाचार होता है, अगर खेती वाली कंपनियों से सत्ता में बैठे नेताओं और घर वालों का जमकर विकास हो सकता है, तो फिर आम किसानों के लिए वही विकास मंत्र क्यों नहीं नेता और मंत्री बताते हैं? नागपुर से योगेश पांडे के साथ धनंजय सांवले, अकोला आज तक।